कर्नाटक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धि रमैया पर आखिरी प्रहार किया। शाह ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव का सार्वजनिक प्रचार बंद होने जा रहा है। जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से देश के पीएम और बीजेपी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफल अभियान में लगे हैं। शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक के जन जन तक बीजेपी की विचारधारा पहुंचाई गई है। शाह ने दावा किया कि इस बार चुनाव में बीजेपी 130 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बीजेपी के प्रचार के तरीके पर शाह ने बताया कि हम कर्नाटक की जनता के पास जाने में सफल रहे। शाह ने बताया कि 56,000 बूथों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क का काम किया है। प्रचार में अब तक 400 रैली और रोड शो किए गए। 35 से ज्यादा प्रमुख नेताओं ने इस अभियान में अपना समय दिया है। बादामी में ऐतिहासिक रोड शो के साथ प्रचार अभियान समाप्त होने जा रहा है। यहां 5 साल तक कांग्रेस की सिद्धि रमैया सरकार चली है। शाह ने बताया कि उन्होंने 50,000 किलोमीटर का सफर किया है। कर्नाटक की यह सरकार आजादी के बाद की सबसे विफल सरकार रही है। यहां 5 साल के अंदर 3500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। शाह ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मारपीट, रेप, चैन स्नेचिंग की घटनाएं बेंगलुरु में 153% तक बढ़ी है। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक का विकास बेंगलुरु की ट्रैफिक की तरह थम चुका है। यही कारण है कि सिद्धि रमैया को बादामी जाना पड़ा है और यहां से वे हारने जा रहे हैं। इस दौरान शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रदेश के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी हैं और कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए सिर्फ 86,000 करोड़ रुपए दिए थे। लॉजिकल कंक्लूजन तक हम नहीं ले जा सकते क्योंकि सरकार में सिद्धरमैया सरकार थी, पावर में वो थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो न केवल अर्कावती, सारे घपले घोटालों की जांच होगी और कर्नाटक के जनता का एक एक पैसा जो छीन कर लेगा है इससे हिसाब किताब मांगा जाएगा। सिर्फ 40 लाख की घड़ी को छोड़ देंगे क्योंकि वो अध्यक्ष के पास पड़ा है, वर्मा ने दिया है। नारायणकर पीटीआई।